लुढ़कते पारे से जहां सूबे की जनता सर्दी से हलकान है, तो वहीं निकाय चुनाव के पारे में गर्मी का एहसास हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में पोस्टर वार छिड़ गया है। बता दें कि वार्ड नंबर 41 इंद्रपुरम से आम आदमी पार्टी से पार्षद पद प्रत्याशी रेखा अरोड़ा के ऑफिस के पोस्टर और बैनरों को किसी अराजक तत्वों ने फाड़ दिया है। बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों के साथ उनके प्रतिद्वंद्वियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि रेखा अरोड़ा अपनी सीट आसानी से जीत सकती हैं। मेरी वाइफ रेखा अरोड़ा आम आदमी पार्टी वार्ड 41 इंद्रपुरम से कैंडिडेट है और ये बीजेपी और कांग्रेस के गुंडे रात को निकल के हमारे बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारी जीत होने जा रही है। यहाँ पर ये रातों को बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए हमें पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। हमें मैडम रजनी रावत जी और आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, इन सबको मिलके मैडम एसएसपी मैडम से मिलना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं। हर क्षेत्र से, हर गली से हमारे बैनर पोस्टर स्टिकर फाड़े जा रहे हैं और रात को इनके लड़के, रातों को टीम इन्होंने लगा रखी है जो खाली बैनर पोस्टर फड़वाने का काम कर रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको कहीं भी दिखे कुछ ऐसा कि किसी पार्टी के भी बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर में सूचना दे। हमारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पैसा वैसे ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ बैनर पोस्टर बनवाए थे जो क्षेत्र में इनके गुंडे लोग, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इनके गुंडे लोग फाड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ इनका विरोध करें। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।